दोस्तों मुड़ हाजिर हाँ तुहाडी खिदमत दे विच और विचार वटांदरा कर रहे हैं। संत जरनैल भिंडरा वाले खालसा जी की फोटो दिल्ली दे विच चरणजीत सिंह वालों लाई गई सी। उन्हां नूं पुलिस ने डिटेन किया है, पुलिस उन्होंने घर तो चक के लै गई, तिलक नगर रहिंदे ने, सरोजी नगर थाने उन्होंने चक के लै गई। इस टाइम वह पुलिस थाने दे विच मौजूद ने, साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने। मैं माफ़ी चाहवांगा, असीं पहले महेंद्र सिंह कहा सीगा, लेकिन क्योंकि साडे कोल एक्सक्लूसिव खबर हुणे ही पहुंची है तो जिस करके असीं हुण छानबीन की तो पता चलिया इन्हां दा नाम चरणजीत सिंह है। चरणजीत सिंह जी, तुसीं इस टाइम ऑन एयर हो, तुहानूं ऑल ओवर यूके दे विच और यूरोप दे विच वसदे जिहड़ी सिख संगत है वह सुन पा रही है, की कहना चाहोगे? सर सिख कौम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दवा जेडे मेनू इस टाइम सहयोग कर रहे ने। बाकी सर हिंदुस्तान की सरकार ने मेरी गड्डी आटो बंद किया है, कह रहे ने जनरल सिंह टैरी है तो इसकी फोटो क्यों लगाई हुई है। ते मैं एक वीडियो वेख पा रहा सीगा जिदे विच डीएसजी एमसी दे भी कुछ बुलारे और कुछ लोग जिहड़ी संगत है उत्थे पहुंची है और वह भी है कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों गिरफ्तार किया गया। हाँ जी सर, फोटो लगी हुई है संत जी दी, वास्ते बुलाया मैनू। नहीं वो तो मैं समझ रहा कि तुसी फोटो लाई है, लेकिन अजिहां फोटोआं तो ऑटो दे विच मैं वेख्या दिल्ली दे अंदर कई कई ऑटो दे विच लगी होंदी है, कई ऑटो दे पिछे लगी होंदी है और कई टैक्सी दे पिछे भी लगी होंदी है, और खास तौर पर जेकर असीं पंजाब चले जाइए तो उत्थे लगी होंदी है। तो इत्थे कोई लॉ डिफरेंट है, या केजरीवाल सरकार ने कोई लॉ डिफरेंट किया है, या फिर बीजेपी का कोई लॉ हैगा, या फिर किस दे पिछे तुहानूं लगदा किसका हथ है? सर इहदे बारे ते मैं कुछ कह नहीं सकदा। सर तुहानूं कितनी देर होगी थाने दे विच बैठे हुए नूं? कोशिश कर रहे हैं कि रابطہ कायम करिए और जानने की कोशिश करिए कि इस मुतलक की कुछ हो सकता है। मैं लगता है कि जिहड़े एस एच ओ ने जरूर जानकारी देन पाणगे, लेकिन वाकई तुसी बने रहो साडे नाल, तुसी होल्ड च रहो, असी कोशिश करांगे कि उन्हां नूं भी लैण दी असी कोशिश करांगे। लेकिन मैं इत्थे दर्शकां नूं इह जरूर सवाल पुछना चाहुंदा, जां मैं असी मेरी जिहड़ी गल है उह जरूर इत्थे इक गल मैनूं चेते आउंदी है कि जेकर दिल्ली दे विच कोई अगर खास तौर ते उस सूबे दे विच जिथे सिक्खी इन्नी प्रफुल्लित है हर कोई जाणदा है, और उस तो बाद पंजाब चले जाओ तुसी, तां पंजाब दे विच हर ऑटो दे पिछे हर बस दे पिछे संत जी दी फोटो हैगी है, उन्हां नूं उत्थे रिकोगनाइज करदे ने, ते इह एक नवा लॉ किवें आ गया? ते तुहानूं चरणजीत सिंह जी, मैं इह भी सुनन च मैनूं आया सीगा कि किसी ने कंप्लेंट कीती है इस मुतलक। हां जी सर, कंप्लेंट कीती किसी ने, ते उह कंप्लेंट दे विच की कुछ लिखिया गया? सर वो कंप्लेंट वो दस रहे थे पुलिस वाले भी रिटायर कोई आर्मी का अफसर हैगा उसने कीती हैगी। अच्छा, रिटायर पुलिस का अफसर, सॉरी आर्मी का अफसर है, उन्हें तुहाडी कंप्लेंट कीती है? हाँ जी सर। तां तुसी पुलिस नूं पुछया नहीं कि भाई ऐसी फोटो तो क्यों नहीं लगा सकते? सर मैं पुछया सी तो उन्होंने कहा भाई सानू तो पता नहीं है किसी ने कंप्लेंट की, उन्होंने कोई दिक्कत होगी, तो मैं कहा उन्होंने बुलाओ फिर। उन्होंने फिर बुलाया नहीं, वो तो घर ही है अपने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਵੈਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੀ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਲੋਰ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੀ ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਈ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਬੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਕਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਰੁਕਣਾ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਰੋਜੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ।